भारतीय किसान यूनियन द्वारा 24 तारीख को रोड जाम करने की कॉल थी। आज गृह मंत्री अनिल विज ने उनको अपने निवास स्थान पर बुला के मीटिंग की है। मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मीटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी ने कल किसानों द्वारा हाईवे जाम न करने की बात कही। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने लगभग किसान आंदोलन में दर्ज हुए सभी केस वापस ले लिए हैं। कुछ केस हैं जिनमें मर्डर, बलात्कार और कुचलने के वाले केस पर काम चल रहा है। आज चढ़ूनी और गृह मंत्री के बीच सहमति बन गई है। अब कल हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि कल हाईवे जाम नहीं किया जाएगा। आज होम मिनिस्टर साहब ने हमारा डेपुटेशन बुलाया था किसान यूनियन का, जो 24 तारीख को हमने रोड जाम की कॉल दी थी, क्योंकि सरकार ने जो आंदोलन के केस थे और आंदोलन के पहले के केस थे अभी तक वो वापस नहीं लिए थे, उसमें से बहुत से केस लटके हुए थे, तो उस संबंध में उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी और बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और उन्होंने सभी मुद्दों पे सहमति दी है। जो नए जो आंदोलन के केस थे उनमें से बहुत से केस वापस हो गए हैं और जो कोई इक्का दुक्का पेंडिंग है उसके लिए भी उन्होंने बिल्कुल अलर्ट जो है उस जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं और वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। और जो पिछले केस थे, 32 केस पिछले थे, उनको वापस लेने के लिए भी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। और जो आंदोलन के सहयोगी थे, अगर उन पे कहीं कोई डिपार्टमेंट या कहीं से भी कोई कार्रवाई होती है, एक दो केस हमारे सामने पीछे आया था, वो भी तो कंफर्म नहीं है लेकिन पीछे आया था वो केस जिनको खिलाफ कार्रवाई की थी, अगर कोई ऐसा बचा हुआ है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इस तरह की जो भी हमारी मांग थी उन्होंने 100% मान ली और हमें उन्होंने ये कहा है कि अब किसी तरह का कोई केस बाकी नहीं बचेगा। तो कल का जो आप देखिए, हमारा हमने पहले ये कहा था कि अगर 24 तक सरकार मामले को निपटा देती है तो फिर हमारा को रोड जाम करने का कोई शौक नहीं है। कोई हम कोई किसी को जो है परेशान नहीं करना चाहते, किसी को कोई अपना हीरो बनने के लिए नहीं करना चाहते। तो अगर इन्होंने कोई बात मान ली है तो अब रोड जाम का मतलब नहीं बचा है। तो क्या कोई रैली की जाएगी? रैली होगी, रैली पहले से भी बेहतर होगी, रैली होगी। और सर छोटू राम का जन्मदिन है, 2 साल की जो सालगिरह है दिल्ली जाने की वो है, तो वहाँ पर हम रैली करेंगे। और जो हमारी बाकी मांगे हैं, जैसे कोई स्टेट के प्रति है या सेंटर के प्रति हैं ज़्यादा मांगे, उनका ज्ञापन भी हम कल उच्च अधिकारियों को देंगे और प्रधानमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम वो ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद अपना